रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत सिंपल पहला कॉन्सेप्ट जो मैं समझता हूँ ऐसा है, वर्ड रिलेटिव है। ये रिलेटिव बहुत ख़राब चीज़ है। मैंने को बताया था आपको कि जब हम रिलेटिवली बात करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, जब हम एब्सोल्यूटली बात करते हैं तो बिल्कुल, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है एब्सोल्यूटली में, तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई भी। जैसे मैंने आपको ये स्टार्ट करके दिया था एक कॉन्सेप्ट कि भाई मेरे मार्क्स तो 90 हैं, 90 है 100 में से, तो मैं तो खुश हूँ। लेकिन जब तक मैंने लोगों का रिजल्ट नहीं देखा, लेकिन जब मैंने लोगों का रिजल्ट देख लिया तो रिलेटिव कंपैरिजन हो गया। अब मैं उसके मार्क्स देख के अपने मार्क्स को कंपेयर कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है मेरे कम मार्क्स हैं, तो देखो रिलेटिव की बात आ गई। अब उसी तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है यहाँ पर कम से कम दो बॉडीज़ होंगी और दो बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ होंगी। जब मैं ये बोलता हूँ कि एक कार है और उसकी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आर का मतलब कौन सी वेलोसिटी है उसको बोलते हैं उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट है, कोई कंपैरिजन नहीं है। और न्यूटन ने कहा था कि अगर आपको कंपैरिजन करना भी है तो बाय डिफॉल्ट हम कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, ग्राउंड के साथ, क्योंकि ग्राउंड हम क्या मानते हैं, किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। तो अगर मैं ये बोलता हूँ एक कार की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आर है तो इसका मतलब वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। लेकिन अगर मेरे पास एक कार की जगह दो कार्स हैं, 60 एंड 60 दोनों इकट्ठी मूव कर रही हैं, ए ड्राइवर बी ड्राइवर को देखता है और उससे देखते हुए ये बोलता है कि इसकी वेलोसिटी क्या लग रही है, इसे जीरो, क्योंकि दोनों कार सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो ए ड्राइवर को लगता है कि उसकी स्पीड जीरो है। लेकिन जब ये ए ड्राइवर ग्राउंड को देखता है तो इसकी स्पीड वापस से कितनी है, 60 है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, वैसे तो स्पीड 60-60 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन एक दूसरे को देखते हुए इनकी स्पीड क्या है, जीरो है। ये बात समझ में आती है, तो सारा कॉन्सेप्ट रिलेटिवली है, रिलेटिव टू व्हाट। अब उसी तरीके से जब हम ये लिखते हैं वी ए बी वेक्टर, इसका मतलब मैं किसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ए ड्राइवर की विद रिस्पेक्ट टू क्या, बी ड्राइवर। मैं ए ड्राइवर की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, विद रिस्पेक्ट टू बी बॉडी। और ऐसी वी बी ए को कैसे रीड करते हैं, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन अगर मैं अकेला ये लिखता हूँ वी ए की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आर है बस, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो चाहो तो ये भी लिख दो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर देखो ना, जितनी भी फिजिक्स आपने आज तक पढ़ी, कितना अजीब होगा 7th, 8th, 9th, 10th, 11th तक हर बार कार की वेलोसिटी ए पीछे जी, बी पीछे जी, तो बाय डिफॉल्ट जी लिखा नहीं जाता, पर अंडरस्टूड है कि पीछे जी लगा होता है। तो इसलिए अकेला क्या लिख दिया जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए 60 किलोमीटर पर आर है बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब यहां पे वी ए बी वेक्टर निकालने का फॉर्मूला नोट कर लें, फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें कि वी ए बी वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, और वी बी ए वेक्टर इज वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला नोट कर लें, और प्लीज जब नोट करें इनके सिर पे वेक्टर जरूर लगाएं, क्योंकि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है ये, वैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं है। तो इन्हें नोट करें प्लीज फॉर्मूला बुकलेट में, पहले इसको यूज कैसे करना है आज हम डिस्कस करेंगे। तो वी ए बी वेक्टर का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वी ए बी वेक्टर इज वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर।
ऐसी भी बी ए वैक्टर का मतलब वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर, ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, आज हम इसे यूज करेंगे और कैसे लगाना है इसको देखेंगे। ठीक है यहाँ तक? ठीक। तो इसको यूज करने का तरीका, मान लो आपके पास दो वेलोसिटीज हैं वी ए एंड वी बी, दो गाड़ी हैं और टू कार्स आर मूविंग एट एन एंगल ऑफ थीटा। आपको क्या निकालना है? वी ए बी का मैग्नीट्यूड। देखो वी ए बी का मैग्नीट्यूड का मतलब, वी ए बी का मतलब क्या होता है? वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वैक्टर है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस टू वी वी ए वी बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ऐसी वी बी ए वैक्टर का ये फॉर्मूला है। तो वी बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर वी ए स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा। ये इनका मैग्नीट्यूड है। तो दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हैं, वेक्टर में लिखना है तो भी आ जाएगा और अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं तो भी आ जाएगा। यूज करने का तरीका, अगर दो कार जा रही हैं विद स्पीड ऑफ 60 एंड 60 इन सेम डायरेक्शन और वी ए बी निकाल लें, तो 60 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 2 इंटू 60 इंटू 60 इंटू कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि दो वैक्टर्स के बीच में एंगल क्या है? जीरो। कॉस जीरो वन है, तो 60 प्लस 60 का 60 माइनस 60 का होल स्क्वायर आ गया, ये माइनस आएगा जीरो। पता ही है वो तो कॉमन सेंस से, दो कार्स अगर सेम वेलोसिटी से जाएंगी तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। और अगर दो कार्स ऑपोजिट वेलोसिटी पे जा रही हैं 60 एंड 60 तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? वी ए बी 60 स्क्वायर माइनस टू 60 60 कॉस ऑफ 180, क्योंकि ऑपोजिट वेक्टर्स में एंगल क्या होगा? 180 कॉस 180। मैथ्स में क्या होता है? माइनस वन माइनस माइनस प्लस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 120 आ जाएगी। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर कैसे कैलकुलेट करना है? अगर बात यहाँ तक ख़त्म हो जाती ना तो फिर तो बात ही क्या थी, फिर मैं बोलता ही ना कि इस टॉपिक में कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको कि इसकी बात हो रही थी तो हम कर ही लेंगे। अब रिलेटिव वेलोसिटी को प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे करना है? फिजिक्स में या नॉर्मली हमारे कोर्स में जो मैं देख पाता हूँ, तीन किस्म की रिलेटिव वेलोसिटीज की प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगी। तीन किस्म की, पहली किस्म की प्रॉब्लम आएगी ओवरटेकिंग के अंदर। हमने किया था वो ट्रेन ने साइक्लिस्ट को ओवरटेक किया और ओवरटेकिंग का टाइम बताओ क्या लगेगा। तो जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी को ओवरटेक करती है वहां पर कॉन्सेप्ट यूज होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। एक टाइप की प्रॉब्लम तो ये आएगी। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम आती है कि अगर बारिश पड़ रही है और आपने छाता पकड़ना है और आपने देखना है कि किस डायरेक्शन में छाता पकड़ लें कि हम भीगे ना, तो ये सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं रेन एंड मैन प्रॉब्लम। बंदा खड़ा है और बारिश गिर रही है, छाता पकड़ना है, रेन एंड मैन प्रॉब्लम। तीसरी किस्म की प्रॉब्लम है नदी जा रही है और आपने नदी को तैर के क्रॉस करना है, बस शर्त यह है कि सामने पहुंचना है, नदी बहुत तेज़ बह रही है, तो अगर मैं ऑब्वियसली सीधा तैरूंगा तो मैं वहां जाके मिलूंगा आपको, कहीं ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट हो जाऊंगा, तो मैं उसके रिवर के करंट के ऑपोजिट मूव करूंगा अपस्ट्रीम, ताकि नदी मेरे को, रिवर मेरे को यहाँ 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 ला के वहाँ पर लैंड करवा दे। तो मैं कितने एंगल पर स्विम करूँ और कितने वेलोसिटी पे स्विम करूँ ताकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ पे पहुँच जाऊँ। ठीक, इसे बोलते हैं रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम, रिवर की क्रॉसिंग प्रॉब्लम। ये तीन किस्म की प्रॉब्लम से ये रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे। आज हम करेंगे सिर्फ रेन एंड मैन प्रॉब्लम, धीरे धीरे करेंगे, इकट्ठी करवा दूंगा तो मुश्किल होगी, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं रेन एंड मैन प्रॉब्लम।